ये जो हम मुनाफा दे रहे हैं हम दुकान से तो नहीं दे रहे ना, हम उस इन्वेस्टमेंट को कहीं और यूज कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की हमारी 7 से 8 करोड़ की दुकानों की सेल है, जबकि आम बंदे से प्रोजेक्ट बिकते ही नहीं है। हमने महीने के अंदर इसको 2.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को बेच देना है। अगर एवरेज सेल पे बेचेंगे, एवरेज रेंट पे बेचेंगे, तो इसको बेचने में 2 साल लग जाएंगे। हम 7% रेंट पे बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 2.5 अरब का प्रोजेक्ट 3 महीने में हम इसको बेच के क्लियर कर देंगे। अब लोगों को जो अजाफी रेंट दे रहे हैं वो कहां से मैनेज करेंगे, सोचने की बात है। मार्केट से तो हमने 3% के ऊपर देना है, हम अगले प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब ये जो चीज आपको हम 50,000 रुपए पर स्क्वायर फुट बेच रहे हैं, आपकी ऑलरेडी ये 70,000 से लेके 1,00,000 रुपए पर स्क्वायर के ऊपर कहां पे बिक रही है, बैरिया के अंदर ही मुख्तलिफ मॉल्स बिक रहे हैं। लेकिन जो लोग ये मॉल्स बनाते हैं ये उनको कितने के पड़ते हैं फुट, सोचने की बात है। महंगे से महंगा प्लॉट लेना 5 मरला, ये जो बार बार चाह रहे हैं मैं आपको समझाऊं, 5 मरला का जो महंगे से महंगा प्लॉट है बैरिया के अंदर कमर्शियल कितने का होगा, जो आपका रेजिडेंशियल है वो 1-1.5 करोड़ का है, जो कमर्शियल है वो 4 से 5 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, ऐसा ही है ना। 4 करोड़ का मैं प्लॉट ले लूं बैरिया में, चलो मेरे पास पैसा हो मैं कहता हूँ ये काम मैं करता हूँ, 4 करोड़ रुपए का मैं क्या लूं प्लॉट लूं 5 मरले, यहाँ 250 स्क्वायर फुट के ऊपर क्या होता है, एक मरला होता है, तो 5 मरले जो है वो कितने का होगा, 1250 स्क्वायर फुट का होगा। 4 करोड़ का प्लॉट लिया, कितने स्क्वायर फुट है उसमें, 1200, तो यहां हम कर लेते हैं 4 करोड़ / 1250, 1 फुट मुझे कितना कॉस्ट कर गया, 32,000 रुपए का क्या कॉस्ट कर रहा है, एक फुट कॉस्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है, मैंने इसमें प्लाजा बनाना 8 मंजिला, यानी इसको इस 1 फुट को मैंने 8 मंजिले बना के 8 बार बेचना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 8, तो 1 फुट जमीन मुझे कॉस्ट कर रही है 4,000। अच्छी से अच्छी अगर कोई कंस्ट्रक्टर हो, अच्छी से अच्छी कवर्ड एरिया की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट पड़ती है वो 3.5 या 4,000 पड़ती है, अगर खुद बनाओ उससे भी हाई फाई कर दो, सेंटोरस जैसी कर दो 4,500 की, 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कास्ट लशवश, तो ये 8,500 रुपए में मुझे मेरा एक नया मॉल तैयार मिलेगा, 1 फ्लोर का 1 फुट 8,500 मिनिमम बेच कितने का रहे, जो ग्राउंड वाला होता है जो रोड के बराबर होता है वो 1,00,000 रुपए से ऊपर बिकता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रेट कम, वो आखिरी माला आखिरी मंजिल 30-35,000 रुपए पर स्क्वायर फुट वो भी बिक रहा होता है, एवरेज निकालोगे तो 60-65,000-70,000 पर स्क्वायर फुट की एवरेज बनती है। बात समझ आ रही है, हमें कितने का पड़ रहा है 8,000 का, बेच कितने का रहे 60,000 का, कितने गुना का फर्क है, 1 गुना का, 8 गुना नहीं, हम लोगों को कितना दे रहे हैं, 60,000 दे दो, नहीं हम तो 7% दे रहे हैं ना, फर्ज करो हम 7% दे रहे हैं, पैसा कैश कर लिया, एक प्रोजेक्ट बनाया, 1 गुना लोगों को दिया, 6 गुना अपनी जेब में डाल लिया, क्या ख्याल। अब जहां भी हम प्लाजे बनाएंगे वहां तेजी से लोग आएंगे, क्योंकि हमारा रेंट ज्यादा है, लोग खरीदेंगे, ब्रांड आ जाएंगे, क्यों कि आम दुकानदार दुकान देता है फर्ज करो 2,00,000 रुपए किराए पर, हम 1.5 लाख में बिठा देंगे क्योंकि हमें कामयाब करना है। जब सारे ब्रांड आके बैठ जाएंगे फिर क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कोई भी मुनाल को फ्री में नहीं देगा जगह, अगले 14 महीने में किसी ब्रांड को कोई फ्री में नहीं बिठाएगा, हम इन सब के सर पे मुनाल बिठा देंगे। एक मुनाल रेस्टोरेंट आके बैठ रहा है तो उसकी वजह से सारे नीचे ब्रांड आ रहे हैं, मुनाल की वजह से क्या आएंगे, फुटफॉल कस्टमर्स आएंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के लेडीज के ब्रांड आके बैठ जाएंगे, देखो साइंस है ना, दिमाग से। तो ये बिजनेस जो है इसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, आप लिमिट से बाहर जाके भी काम कर सकते हो। मेरे पास, मैं अपनी अगर बात करूं, ये तो चलो बहुत बड़ा कारोबार, मैंने एक आम सादा सा 12 गांव में कारोबार किया, 50 मुर्गियों से 6 महीने में कितनी मुर्गियां बनाई जा सकती हैं बताएं, 200 से ज्यादा, मैं 2,000 मुर्गियां बना दी 50 मुर्गियों से, 50 मुर्गियां लेके 6 महीने में कितनी बना दी, 2,000, कैसे, ये तो 50 मुर्गियां थोड़े को रोजाना 25-30 अंडे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, आप एक इनक्यूबेटर मशीन लेकर रोजाना अंडों को उसमें रखना शुरू कर दो, हफ्ते के अंडे इकट्ठे किए उसमें रखे, क्या होगा, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। मैंने 50 मुर्गियों से 2,000 मुर्गी का मेला ला के दिखाया, आम बंदे क्या करते हैं, 2,000 मुर्गी लेते पालने के लिए, 2,000 चूजा ला के पालते हैं, मैं 2,000 चूजा ला के पालने से बेहतर है मैं 50 मुर्गियां ला के उनको अच्छी खुराक दूं, उनकी वैक्सीनेशन हो, बीमार ना हो, वो सेहतमंद हो, उनसे अंडा सेहतमंद आएगा, उनसे बच्चा
सेहतमंद आएगा। और मशीन लोग कहते हैं इनक्यूबेटर मिलता है जी कितने का, वो जी 1.5 लाख रुपए का मिलता है। मैं 4,000 रुपए की कबाड़ से फ्रिज लेके उसका मैंने इनक्यूबेटर आप बना लिया। उत्ते 100-100 वाले बल्ब लाए पिछले 2 दिन दे बेचकार कट के एक पखा लाया नाल एक उसका कंट्रोलर मिलता है कि जब टेम्परेचर जो है वो 36 पे आ जाए तो बल्ब बंद हो जाए, जब 35 पे जाए तो बल्ब चल जाए, वो उसका कंट्रोलर होता है। दुनिया में जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं एक और बड़ी बात बताऊं, क्योंकि मैं गांव से हूं देहात से हूं, तो मेरे एक दोस्त थे आज से 3-4 साल पहले की बात है, क्योंकि मेरे चाचा का भी डेयरी फार्म, हमारा भी डेयरी फार्म रहा, वाले साहब की डेथ हो गई, डेयरी फार्म छोड़ दिया। तो कराची के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं ना भैंस के, वो भैंस वाले साथ नहीं रखते बल्कि क्या करते हैं, बेच देते हैं। जरा बात को समझिएगा, वो बेचते हैं तो मुख्तलि लोग उनको जिबा करके बकरे की जगह होटलों पे भी खिला देते हैं। एक बहुत अच्छी दो भैंसे मेरे सामने 5-5, 10 लाख रुपए की दो भैंसे बिकी, एक टाइम का दूध देने वाली थी वो 10-10 किलो दूध एक टाइम का देने वाली भैंसे थी। मैंने उनकी दो कटिंगें थी वो खरीद ली, मैंने कहा यार मैं अपने डेरे पे भेजता हूँ पालेंगे। चचा मेरे सारी जिंदगी उन्होंने डेयरी फार्मिंग की, वो कहते यार ये नहीं पलती, ये एक दिन की आप लेके आ गए, हमने हर जतन करके देख लिया ये नहीं बचती है, मर जाती है। अब उनका ये माइंड सेट था कि ये एक दिन का बच्चा नहीं पलता, ये मर जाता है, बात समझ आ रही है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी ये किया नहीं पलती, तुम शहर से आए हो कहाँ से पलेंगी। और मैं कहा मैं पालता हूँ, मैंने उसको स्टडी किया, उसका तरीका कर देखा, मैंने पाल ली। वो पाल लिया क्यों नहीं सी, उसको दूध पिलाते थे किसी दूसरी भैंस का, दूसरी भैंस का दूध पिलाते उसका टेम्परेचर होता है कम, वो पीती है निमोनिया होता है मर जाती है। मैंने उसको जो स्टडी किया कि माँ के दूध का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, भैंस का हो या कोई भी जानवर का दूध उसका टेम्परेचर कितना है। मैंने उसको गर्म करके दूध पिलाना शुरू करता, उनको कुछ भी ना हो जाए इतना काम किया, निमोनिया नाल ही मरते बच्चे। मैं जो पानी चाचा कहने तू कड़ी साइंस की यार, साडा सारी जिंदगी का तजर्बा फेल किया, मैं कुछ भी नहीं किया, दूध गर्म करके पिलाया। छोटी सी चीज जो है वो बहुत बड़ा काम कर जाती है, और छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे रॉन्ग माइंड कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं कि यार ये 7% नहीं कमाया जा सकता। हूँ हजे में दो गल और तो आप कहेंगे यार आप लोगों को तो बहुत कम दे रहे हो, सारा तो कंपनी खुद कमा रही है, लोग ऐसे भी आते हैं यहाँ पे बता दें बता दें। नहीं वो मेरे जेन एक सवाल थी कि ज्यादा नफा जो है ना वो नुकसान का पेश खेमा होता है, 5-7 का 10 हजार रुपए का मरला मिलेगा। यही हमने 6,000 कनाल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है चकवाल में, 5,000 रुपए मरला पड़ रहा है, 1 लाख रुपए की कनाल है, 8 लाख रुपए का एकड़ है, ये आम सा रेट है, बंजर जमीने शहरों से दूर मिल जाती है। अब 5,000 वाले मरले के ऊपर क्या चाहिए, 10-20 करोड़ चाहिए सिर्फ, बाकी आवाम से बाद में आ जाता है। 10-20 करोड़ लगाओ, 5,000 वाला मरला आपका कितने का बिकेगा, 2.5-3 लाख का मिलेगा बिकेगा, पैसे ही पैसा। मैं जब आया 14 महीने सिस्टम को हो चुके थे, मैंने जान से बालन साहब से पूछा कितने लोग इस वक्त सिस्टम में ब्लू डायमंड है, उनका 14 महीना में अभी तक कोई भी नहीं बना। मैं कहा अच्छा मैं काम कर रहा था, मैं पहले भी नहीं बन जाएगा सन लागे, इतने बड़े बड़े साइंसदान आए 14 महीने में नहीं बन सके, आप 1 महीने में कैसे बनेंगे, बात समझ आ रही है। 22 दिन गुजरे में ब्लू डायमंड हो गया, क्या ख्याल है, हैरान कर दिया। एक नया बंदा आया 22 दिन में ब्लू डायमंड, 48,50,000 का रिवॉर्ड है ब्लू डायमंड पे। अल्टस गाड़ी मैंने खरीदी, और खतरनाक बात, आज तक कभी महीने में गाड़ी छोटी होती देखी, मैंने अल्टस गाड़ी ली बेहतरीन ब्रांड की गाड़ी, 1 महीना चलाई साली छोटी हो गई, सुबह दोपहर शाम सबको बोलूं यार गाड़ी नहीं मदद कर रही, पी होया छोटी हो गई, वजह क्या। उससे अगला रिवार्ड था प्लाटीनियम, 1 करोड़ रुपया मुझे कैश मिल गया, घर पे 1 करोड़ पड़ा हुआ था तो गाड़ी छोटी होनी थी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वो बेची 40 लाख और डाला, टोयोटा CHR ली, वो फिर छोटी हो गई, 1.5 महीना गुजरा छोटी, क्यों, सीओ साहब ने मुझे कहा प्रोटोकॉल के लिए जरा बंदे खास हो गए, जरा प्रोटोकॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड ले लो, एक रिवो डाला ले लो, वो कंपनी देता हूँ, पिछले रिवो हो तो अगर थोड़ी CHR हो मजा नहीं आता। हूँ मैं फिर रोक गया, मैं कहनी सर मेरी गड्डी छोटी, थोड़ा जो रोक जो, मैं पहले गड्डी वड्डी ले लूँगा ताकि मेरी गड्डी के पिछले रिवो डाला लगे कंपनी का, वो कुछ अच्छे तो सही ना, तो मेरे ना मसले मेरी चीज़ें भी छोटी हो जाएंगी। बस ब्लू डायमंड मेरा भी हो रहा है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा बाहर कुछ मेहमान बैठे, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।